हे फ्रेंड्स, आज क्या बना है? आज बना है चने दाल का हलवा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार चने दाल का हलवा, जिसे ना तो हमें घंटों तक भिगाना है और ना ही पीसना है। बहुत ही आसानी से बन जाएगा हमारा चने दाल का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने एक कप चने की दाल ली है, जिसे मैंने नापने के लिए मेजरिंग कप का यूज़ किया है। इसे अब हम बाउल में डाल देते हैं और अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और इसे वॉश करने के बाद में गैस पे एक कुकर रखते हैं, और कुकर में हमें अपनी जितनी भी धोई हुई दाल है चने की, वो सारी डाल देनी है। और उसके साथ में ही हमें इसमें 2 कप पानी डाल देना है। जिस कप से मैंने चने की दाल नापी थी, उसी कप से मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। आप अपने घर का कोई भी बड़ा कप यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसे डालने के बाद में हमें इसे ढक देना है, इसका ढक्कन लगा देना है, और हाई फ्लेम पे 5 से 6 इसकी जो विसल है वो आने देनी है। तो हमारी ये छठी विसल आ गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसका प्रेशर जो है वो रिलीज होने देते हैं। तो जैसे ही इसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, हम इसका ढक्कन हटाते हैं। तो हमारी दाल जो है एकदम परफेक्टली बॉयल हो चुकी है, इसका पानी भी सूख गया है। अब हमें अपने स्पून के पीछे वाले पोर्शन से इसे इस तरीके से मैश कर लेना है। हमारी दाल इतनी अच्छी गली है कि हमें इसे पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 से 4 मिनट में हमारी जितनी भी दाल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो जाएगी। तो 3 मिनट के बाद हमारी दाल जो है वो परफेक्टली मैश हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और फिर गैस पे हमें एक कढ़ाई रखनी है, और उसमें हमें 2 टेबलस्पून घी गरम करनी है। और जैसे ही हमारी घी गरम हो जाएगी, उसमें हमें अपनी ये जो मैश की हुई चने की दाल है वो सारी इसमें डाल देनी है। और उसके बाद में हमें इसे हाई फ्लेम पे घी में अच्छे से भूनना है। तो अब अपनी कलाइयों से मेहनत करवाने का टाइम बिल्कुल आ गया है, क्योंकि हलवे को बनाने में जो मेन मेहनत होती है वो उसे भूनने में ही होती है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मेहनत जो है वो स्वाद लाएगी। अभी हमारी दाल जो है वो थोड़ी पेस्ट की टाइप में है, इसमें अभी काफ़ी सारा मॉइस्चर है। इसे हमें हाई फ्लेम पर भूनना है, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो सारा उड़ जाए और दाल जो है हमारी वो दरदरे पाउडर की तरह हो जाए। तो 20 मिनट तक पूरा भूनने के बाद में आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है वो थोड़ी पाउडर की तरह हो गई है। अभी इसे हमें 10 मिनट तक और भूनना है हाई फ्लेम पे, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो पूरा निकल जाए और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो 10 मिनट और भूनने के बाद में आप देख सकते हैं हमारी दाल का जो कलर है वो पूरा चेंज हो गया है। ये एकदम पाउडर की तरह हो गई है, दरदरे पाउडर की तरह। तो इसका मॉइस्चर भी सारा निकल गया है। इसे भूनने में हमें पूरा आधा घंटा लगा है। तो अब फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में अब हम 2 कप दूध डालेंगे। मैं यहाँ पे गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध को नापने के लिए भी मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। अब इसके बाद हम दूध में 2/3 कप चीनी ऐड कर देंगे। आप अपनी स्वाद के अनुसार इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और अब हम चीनी को और दूध को आपस में मिला देंगे अच्छे से, और हाई फ्लेम पे दूध और चीनी को अच्छे से पका देंगे, जब तक ये चीनी जो है वो गल नहीं जाती। कम से कम इसमें हमें 2 बार बॉयल आने देना है हाई फ्लेम पे। और जैसे ही दूसरी बार बॉयल आए, फ्लेम को लो कर दें आप। और उसके बाद में इसमें हमारी जो भुनी हुई दाल थी वो सारी इसमें डाल देनी है हमें। और दूध में इसे डालने के बाद में इसे हमें दूध के साथ में अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा हलवा है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड टाइप में है। इसे हमें हाई फ्लेम पर पकाना है, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, एकदम हलवे टाइप में हो जाए। अभी तो ये बिल्कुल पानी की तरह है। और जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे, इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और गरी का यूज़ किया है। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इसके साथ में, और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद में हमारा हलवा जो है वो एकदम थिक हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा सुखाना चाहते हैं तो इसे और भी सुखा सकते हैं। मैं इसे यहीं पर रोक रही हूँ। तो हमारा स्वादिष्ट सा जो हलवा है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। हमारा चने दाल का हलवा बहुत ही आसानी से बनकर तैयार है। ना तो इसे हमें भिगाना पड़ा और ना ही पीसना पड़ा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाते रहें और मुस्कुराते रहें।